हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में ये फ्लावर बनाना सिखाया था। आज मैं आपको इन्हें जोड़ना बताती हूँ और इनसे टेबल कवर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा फूल है, इसमें से हम ये इस तरह से एक पत्ती में से ये देखिए क्रोशिया लगाएंगे और इस तरह से धागा निकाल लेंगे। ये इस तरह से एक बार कर लेंगे, फिर से इस तरह से लपेटेंगे उंगली से और दूसरी बार भी उसी में से निकाल लेंगे। इस तरह से फिर इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह से हमें एक पत्ती में से तीन तीन बार निकालना है धागे को। इस तरह से अब हमने तीन बार निकाल लिया है, एक दो तीन बार इस तरह से फिर इसको लपेटेंगे। अब दूसरी पत्ती से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से फिर इसमें से हम तीन बार फिर निकाल लेंगे। इस तरह से फिर हम तीन बार ऐसे कर लेंगे, एक दो तीन, फिर हम इसको लपेटेंगे। हम तीन तीन पत्तियों में से तीन तीन बार करते चले जाएंगे, एक दो तीन। ये देखिए हमने तीन बार ऐसे एक साइड से कर लिया है। अब हम इसको सात बार धागे को सिंगल कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब हम फिर से इसको ऐसे लपेटेंगे और ये दूसरे में धागा डाल लेंगे। इस तरह से हमें इनको इस तरह से जोड़ना है। जैसे ये हमारे एक साइड पे तीन आ रहे हैं, फिर ये मैंने सात बार किया, फिर एक साइड के तीन, फिर सात बार किया, फिर एक साइड के तीन। इसी तरह से मैंने चारों साइड से इसको कवर कर लिया, फिर इसको कवर कर लिया, फिर यहाँ से बीच में से जोड़ दिया। इसी तरह से हम इसको कर लेंगे, चारों साइड से कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको ये देखिए मैंने ये अपना फ्लावर चारों तरफ से कवर कर लिया है। मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे हमने तीन तीन बार चारों साइड से कर लिया था, फिर बाद में इसको इस तरह से यहाँ पे लाके जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब हम ये हमारा स्क्वायर शेप में हो गया है, ये देखिए। अभी हम इसी तरह, या तो आपको क्रोशिया से जोड़ना नहीं आता है तो आप इसी तरह से फूल को चारों तरफ से कवर करके सुई से जोड़ सकते हैं, जैसे आपका जिस तरह का धागा है इस तरह से, या आप ऐसे करके बड़ा बड़ा क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से एक धागा इसमें से लिया, एक इसमें से लिया और एक इसमें से लिया। इस तरह से अब
आप इसी तरह से इसको जॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसी तरह से आपको जितना बड़ा टेबल क्लॉथ बनाना है आप इसी तरह से सारे फ्लावर जॉइंट कर लें, और ये जो कोने हैं इधर को भी, जब आप नेक्स्ट फ्लावर को कवर कर लेंगी तो ये कोना उधर से जोड़ दें इस तरह से। अगर आपको नहीं भी जोड़ना आ रहा है ये क्रोशिया से, तो आप सिंपल कपड़ा लेके कोई भी कलर का उस पर इस तरह से इनको फूलों के सिल सकती हैं इस तरह से, उससे भी आपका टेबल कवर बन जाएगा, सुंदर लगेगा इस तरह से। इस तरह से आप उस पर भी टेबल कवर बना सकती हैं, सुई से सिल लें चारों तरफ से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।